राजवंशी नगर जी जी देख रहे हैं सर। ठीक, वहाँ पे मेरा सरकारी क्वार्टर में रहते हैं सर, वहीं। तो फिर कैसे होगा सर, बताइए आगे। जी, बच्चे का क्लास 2 है ना? 2 क्लास है सर। अच्छा, मेल और टीचर ऐसा भी कुछ है कंडीशन आपके तरफ से कि टीचर फीमेल होनी चाहिए या मेल होनी चाहिए, ऐसा कुछ? सर मेल होए फीमेल होए कोई भी आए सर, लेकिन थोड़ा बच्चा को थोड़ा एकदम बिल्कुल पढ़ाई सही होना चाहिए सर, यही मेरा रिक्वेस्ट है सर। बाकी कुछ ऐसा नहीं कि मेल फीमेल, ठीक है योग्य सर, शिक्षक होना चाहिए सर। थोड़ा बच्चा होमवर्क दीजिए, अगला दिन होमवर्क किया कि नहीं किया, ये सब हो जाएगा सर, हो जाएगा सर। थोड़ा सा इंग्लिश सर किताब उताब पढ़ने के लिए सर जी, जी सर, जी सर, थोड़ा सा थोड़ा एकदम किताब उताब पढ़ने में थोड़ा दिक्कत है सर, 2 क्लास में चल गया है। ठीक है सर। चलिए, हम आपको एक बढ़िया स्टूडेंट टीचर जो तैयारी पार्ट टाइम में जो पढ़ाते हैं उनको हम भेजते हैं सर। जी, और आप हमको अपना एड्रेस व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिए। सर। और ऐसा कुछ प्लान है सर गर्मी छुट्टी में बाहर और जाने का कुछ? आपके पास टीचर कब से अवेलेबल है सर, ये बताइए आप। सर देखिए, अभी तो आप कह रहे हैं तो टीचर हम कल शाम तक भेज सकते हैं सर, कोशिश करेंगे। जी कल नहीं जी भेज पाए सर तो परसों तो डेफिनेटली भेज देंगे सर। जी तो सर देखिए ना, देखिए हम ये आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर टीचर ऐसा भेजिए सर कि थोड़ा सा ऐसा ना कि बाद में हमको 10 दिन 5 दिन के बाद पता नहीं होता है ना, भेजिए कि थोड़ा सा हम इनको 1-2 साल के लिए अपने पास रख लें सर। नहीं, टीचर सर देखिए, टीचर आपको हम अपने तरफ से अच्छे ही देंगे सर, ठीक है ना? जी उसमें कोई तरह की शिकायत नहीं होगी, हमारी पूरी कोशिश रहेगी सर। क्योंकि जी आपकी जी जो बातें हो रही है ये बातें हम अपने टीचर के साथ शेयर करेंगे, ये बातें रिकॉर्डेड हैं, जी तो सर जी आपकी परेशानी को ख़त्म करेंगे, तभी तो आप टीचर को रखेंगे सर। जी जी सर। अब देखिए सर, हम पहले ही बता देते हैं, स्कूल का तो सिलेबस तो होना ही चाहिए सर, उसको कुछ एक्स्ट्रा भी बच्चों की जानकारी सर थोड़ा सा ये हम सिखाता है समझ कि रहे हैं, इंग्लिश में जो समझ कुछ रहे हैं। इंग्लिश में डीएवी इंट्रोडक्टरी तो जो होता है ना सर, तो जी सर, जी हम समझ गए, डीएवी का सिलेबस बहुत ही वीक है। जी डीएवी का सिलेबस जो है बहुत ही वीक है, जी जी और डीएवी का सिलेबस तो बच्चा बहुत आसानी से कर भी लेता है, थोड़ा भी बच्चा सिंसियर हुआ कर लिया। जी हाँ जी हाँ सर, तो वही मेन है, इसको सर रास्ता पकड़वाने वाला चाहिए सर। मान लीजिए कि हम लोग तो सर मैट्रिक पास आदमी हैं, तो हमको क्या पता है सर। नहीं सर, ठीक है सर, आप निश्चिंत रहिए, थोड़ा सा समय दीजिए, हम इस चीज़ को करते हैं। और अगर आप गर्मी छुट्टी में अगर कहीं बाहर और जा रहे हैं तो हमारे हिसाब से सर आप गर्मी छुट्टी के बाद टीचर लीजिए, ठीक है? अगर आप 2-4 दिन की छुट्टी में कहीं जाएंगे तब तो टीचर हम आप रख लीजिए सर। न तो सर ऐसा कीजिए, आप सुनिए ना सर, जब ऐसा बात है ना तो आप एक अच्छा टीचर, अभी आपको समय देते हैं सर, हम 1 तारीख में समय देते हैं सर, जल्दीबाजी कुछ भी नहीं है सर, 15 दिन में ठीक आप है, एक अच्छा टीचर खोजिए सर। ऐसा नहीं कि जब आपको फोन करिए तो कल किसी को भेज दीजिए, नहीं सर, रिक्वेस्ट यही है नहीं, एक ऐसा अब काम अच्छा करते ही टीचर नहीं है सर, खोजिए ऐसा सर, काम करते ना, हमारी और सर एक भी तारीख से सर अब आपसे बीच बीच आपका अपने नंबर से जब भी फोन करेगा तो उठाइएगा। जी सर, जी सर, जी सर, आपका नाम क्या हुआ सर? संजय प्रकाश, संजय सर, आपका नंबर हम सेव कर लेते हैं सर, ठीक है सर, और आप एक अच्छा टीचर भेजिए सर, आप हमको समय दे रहे हैं इसीलिए। जी ठीक है सर, ठीक है। चलिए तब तक आप भी बच्चों को घुमा दीजिए थोड़ा गर्मी छुट्टी में सर, और हम जी आपसे 1 जून से टीचर को कंटिन्यू करते हैं सर। 1 जून से जी, 1 तारीख से ना सर, नहीं 1 तारीख से ना सर, सर, बोलिए। और फीस उस कितना है सर? फीस सर आपको हम टीचर भेजने से पहले बता देंगे, हम टीचर से बात कर लेंगे, ठीक है ना? टीचर के अकॉर्डिंग फी तो सर मार्केट का जो एवरेज फी है वही रहेगा, ठीक है ना? जी। हाँ, 2500-3000 तक हो जाएगा सर, 3000 तक रखिए। हाँ सुनिए सर, अब थोड़ा देखिए ना, थोड़ा कॉन्सेशन कीजिएगा सर, क्या कि ये हम अभी सर्विस में नहीं है सर। सर देखिए, हम एक चीज़ बताएंगे हेलो आपको, अगर आपको आपके यहाँ हम टीचर भेजेंगे, ठीक है, जो भी भेजेंगे, अगर आपको जच जाए ना टीचर सर, तो जी। हम आपको कहेंगे 500-1000 मत देखिएगा सर। हाँ तो ये सर आप बोले ना 2500 तक, उतना तक हाँ थोड़ा सा कर दीजिएगा था उस लेवल में। नहीं, जैसे कहने का मतलब है सर, हम ये कहना चाह रहे हैं, हम टीचर तो भेजेंगे, ठीक है ना? जी और अगर आपको जच जाए टीचर कि हमारे बच्चे पर मेहनत कर रहे हैं, तो टीचर का सहारा सर पेरेंट्स ही है, टीचर का सहारा जो है वो पेरेंट्स ही हैं। तो हमारा कहने का मतलब, अगर जच जाए टीचर सर ना, अगर लगे कि बच्चे पर टीचर मेहनत कर रहा है, बच्चे में प्रोग्रेस हो रहा है, ठीक है, तो 500-1000 मत देखिएगा सर।
क्योंकि आज के डेट में अच्छे। ठीक है सर, भेजिए सर, कोशिश कर रहे, भेजिए आप। ठीक है ना सर। जी। बाकी तो सर 75 तरह की खर्चे होती है, बहुत पैसे बच्चों के पीछे खर्च करते हैं, लेकिन जब एजुकेशन की बात आएगी ना सर, तो हम चाहेंगे कि टीचर अगर अच्छे हैं, बच्चे पर मेहनत कर रहे हैं, तो उनको बूस्टअप करते रहिए थोड़ा थोड़ा, तो उनको भी मज़ा आएगा और वो भी मेहनत करेंगे। ठीक है ना। आपको 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 चाहिए कि हमारे बच्चे को एजुकेशन दे दे कोई, हम पैसा अपना जो है ले ले, है ना। मेन तो यही पर्पस है सर, बच्चे का मेनली एजुकेशन होना चाहिए। ठीक है सर, हम बात करते हैं और भेजते हैं सर। जी। हाँ तो आप सर अब जो समय दिए हैं ना सर, थोड़ा योग शिक्षक भेजिए सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, निश्चिंत रहिए सर। और फिर देखिए सर, अभी ना कि आप 2 दिन पढ़ाए, फिर 4 दिन गैप हो जाए, तो फिर उसमें मजा नहीं आता ये सब। देखिए सर, अगर कहीं ज्यादा है तो ठीक है, आप बोल के 2 दिन 3 दिन में जाइए, लेकिन कई बार ऐसा होता है सर, ट्यूशन लगाते हैं कि आज एग्जाम में चले गए, परसों वहाँ चले गए, फिर वहाँ चले गए, सब। चलिए सर, इसको सॉर्ट आउट किया जाएगा। ठीक है ना। कोशिश किया जाएगा कि टीचर अब्सेंट ना करे, टीचर को ये बात बताया जाए, और अब्सेंट करेंगे भी तो सर सैटरडे संडे मेकअप करेंगे, क्योंकि क्लास आपका होगा मंडे टू फ्राइडे। ठीक है, सैटरडे संडे जो भी छुट्टियां होगी सर मेकअप करेंगे। ठीक है सर। ओके सर, थैंक यू सर, गुड नाइट सर। आप हमें अपना एड्रेस सर व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर दीजिए सर एक बार। ठीक है सर। ओके सर, थैंक यू सर, गुड नाइट सर, गुड नाइट।